नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे दांतों में एक बार कैविटी हो जाने के बाद क्षति स्थायी हो जाती है, इसी क्षति के उपचार के लिए भराई यानी फिलिंग से लेकर रूट कैनाल तक की ज़रूरत हो सकती है। उपचार के ठीक ठीक प्रकार का फैसला कैविटी के स्थान और गंभीरता पर निर्भर करता है। दांतों की समस्या या दांतों की सड़न से उत्पन्न दुर्गंध के लिए जब कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था, तब दांतों की सड़न का कारण दांतों के कीड़े को माना जाता था। दांतों के कीड़े कैविटीज टूथ डिके का अविश्वसनीय रूप से लंबा इतिहास और लगभग 18वीं शताब्दी तक इसे ही दांतों में दर्द का कारण माना जाता था। आखिरकार विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति के साथ साथ डॉक्टरों ने अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्थापित किया और पश्चिमी दुनिया ने धीरे धीरे दांतों के कीड़े के विचार को कैविटी दंत क्षय के रूप में बदल दिया। हालांकि आज भारत के सुदूर इलाकों में डेंटल कैविटी को दांतों के कीड़े के तौर पर जाना जाता है। दांतों में कीड़ा लगने का क्या कारण है? जब दांतों पर एसिड की बार बार चोट होती रहती है तो दांतों की क्षय की प्रक्रिया भी जारी रहती है। परिणाम स्वरूप दंत वल्क जिसे एनेमल कहते हैं नष्ट हो जाता है और अंततः कैविटी बन जाती है, जिससे दांतों को स्थायी नुकसान पहुंचता है। बार बार स्नैक्स आदि खाते रहने जैसी आदतों से दांतों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसका परिणाम दांतों में कैविटी के रूप में होता है और इसकी सतह पर मैल की परत जम जाती है। कैविटी शिशुओं से लेकर बड़ों तक किसी को भी दांतों में बन सकती है और यदि इलाज नहीं किया जाए तो वो अंततः दांतों की सड़न, गंभीर संक्रमण या दांतों के नुकसान का कारण बन सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर आपके दांतों में कीड़े हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। किसी भी प्रकार के दांतों के दर्द का स्पष्ट समाधान यह है कि यथासंभव जल्द से जल्द दंत चिकित्सक से यानी डेंटिस्ट से आप संपर्क करें। जब आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, जब तक आप दांतों के डॉक्टर से समय मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तब तक ये नुक्खे आपकी दांतों की पीड़ा को कम करने में सहायक हो सकते हैं। कोई कोल्ड पैक या फ्रोजन सब्जियों के बैग को अपने चेहरे के बगल में एक बार में 20 मिनट के लिए लगाएं। ध्यान रखें कि आप कपड़े के एक टुकड़े को प्रतिरोधक के रूप में उपयोग करें ताकि अनजाने में आपकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचे। नेक्स्ट है, आप अपने मुंह को गुनगुने नमक के पानी से धोकर संक्रमण को साफ कर सकते हैं और दर्द से अल्पकालिक आराम पा सकते हैं। आप पेन किलर व एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लेकर सूजन और भारी दर्द के संकेत को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ लोगों के लिए एक या दो अतिरिक्त तकिए से सिर को ऊंचा कर सोने से दर्द से पर्याप्त राहत मिल सकती है। अब मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे लौंग के तेल की 2 से 3 बूंद लें और इसमें आधा चम्मच जैतून का तेल ऑलिव ऑयल मिलाएं। इसके ऊपर रुई की एक छोटी सी लोई भिगोएं और इसे दांत के प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इसे प्रभावित जगह पर तब तक लगाएं जब तक कि यह सुन्न ना होने लगे और दर्द कम ना हो जाए। पानी से मुंह धो लें। यह क्रिया 2-3 सप्ताह के लिए दिन में एक बार या दर्द के पूरी तरह से गायब होने तक दोहराएं।
दोस्तों इस संबंध में या किसी अन्य समस्या के लिए आप मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।